मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइज, आप लोग मेरे वीडियो देखते नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि भाभी आपके लिए इतना मेहनत करती हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। हम किचन में हैं और हम आज बनाने वाले हैं लौकी की सब्ज़ी। वैसे आप लोगों को लौकी की सब्ज़ी बनानी तो आती ही है, लेकिन फिर भी चलो हम आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। तो गाइज, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहले हम लौकी को फटाफट छील लेते हैं, फिर हम जो है इसकी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हरी मिर्च है, लहसुन है और मैंने लौकी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और यहाँ पे देख रहे हो, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और तेल भी मेरा गर्म हो गया है। अब इसके बाद उसमें हम जीरा डाल देंगे, ठीक है? जब जीरा मेरा हो जाएगा तो जो लहसुन और हरी मिर्च है उसे भी डाल देंगे। अब आप ये पक रहा है धीरे धीरे, आप लोग देख रहे हो ना। और इसके बाद जो हम लौकी को कट किए हैं, लौकी को मैं पहले से ही धुल के रख दी थी ताकि जो उसका पानी है सूख जाए। जानते हो आप लोग, लौकी जो है पानी छोड़ता है, इसीलिए इसमें जो है पानी वगैरह नहीं डालना है। और इसके बाद हम लौकी को डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप थोड़ा ही डालना, क्योंकि आपकी जो लौकी है वो गलती है, वो गल जाएगी। तो अगर आप नमक ज़्यादा डाल दोगे तो नमक आपका तेज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान देना, जब भी आप लौकी की सब्जी बनाना, या तो लौकी पक जाए उसके बाद नमक डालना, या फिर अंदाज के पहले से नमक डाल देना। अब इसके बाद हम जो है थाली से ढक देंगे। देखा ही हमने जो है सब्जी बना ली है, अभी वो पक रही है। उस सब्जी को हम 5-10 मिनट तक ही पकाएंगे, क्योंकि वो जो है गैस को मैंने स्लो कर दिया है और जो लौकी की सब्जियां होती हैं वो पानी वगैरह छोड़ने लगती हैं, तो इसलिए हमने पानी इसमें नहीं डाला है। सो गाइज, ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि ये मेरी शादी की साड़ी है। आप लोग जानते हो, इस साड़ी को हम उस दिन पहने थे जब मेरी शादी हो रही थी, उस दिन मैं साड़ी पहनी थी। हम आप लोग के साथ अपनी शादी की वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि भाभी आप अपना पार्ट 1 तो शेयर कर चुकी हो, पार्ट 2 शेयर कर दो हम लोग के साथ, हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम टाइम निकाल के आप लोग के साथ वो भी शेयर करें। तो गाइज, ये देखो मेरी फुल साड़ी, आप लोगों ने देख ही लिया है। ये जो साड़ी मेरी मम्मी ने लिया था, हमारे यहाँ का रिवाज है जो है पियरी पहन के ही मतलब शादी होती है, तो मैंने अपनी शादी में पियरी पहना था। ये देखो। तो गाइस, चलो आज हम आप लोग को अपना छोटा सा किचन दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो किचन है बहुत छोटा है। मैंने ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं किया है, लेकिन हल्का फुल्का तो किया ही है। अब आपको पता ही, मेरा नया घर बन रहा है, तो वो जो किचन होगा वो मैं अपने हिसाब से डेकोरेशन करूँगी। और ये जो किचन है, मेरी सासू माँ का किचन है, उन्होंने अपने हिसाब से डेकोरेशन किया था। अब नए वाले घर में जब हम जाएंगे तो किचन मैं अपने हिसाब से ही मैनेज करूँगी और सजावटें वगैरह करूँगी। तो चलो हम दिखाते हैं कि हमारी जो सासू माँ है किस तरीके से अपना डेकोरेशन किया हुआ है। कुछ ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ सिंपल सा ही है मेरा किचन। आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। तो चलो हम दिखाते हैं अपना किचन। गाय जी, हमारी फ्रिज है। आज हम सफाई कर रहे थे तो हमने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, सोच रहे होंगे ना भाभी आपकी फ्रिज खाली खाली क्यों है। तो गाइज, हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है, इसी वजह से लाइट नहीं आ रही, लाइट का प्रॉब्लम है। हमने आप लोग को कई बार बताया भी है अपने वीडियो में, और फल भी रखे थे लेकिन फल हमारे सड़ गए, क्योंकि फ्रिज तो चल नहीं रही है। लाइट रहेगी तभी तो फ्रिज चलेगी, और जब ठंडा रहेगा तो फल भी सुरक्षित रहेगा। तो हमने फल को फेंक दिया है। अब सारी सब्जियों को निकाल देंगे और इस फ्रिज को हम अच्छे से साफ़ करेंगे, और सब्जियों को हम एक टोकरी में रख देंगे। अगर हम
फ्रिज में ही छोड़ देंगे तो सब्जियां भी हमारी सड़ जाएंगी। तो चलो हम इसे बाहर निकाल के रख देते हैं। और गाइस फ्रिज को भी साफ करना है। सबसे पहले हम सब्जी को निकाल लेते हैं, फिर फ्रिज को हम साफ करेंगे। मम्मी ने साचा लिया था तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रखती हैं, धुल के हम रख देते हैं। यहाँ पे जो है हैंगर लगवाया गया है, ये देखो, तो उसी में हम कढ़ाई और कुकर टांग देते हैं। फिर इस जो सारे बर्तन ऊपर मैं थाली रखती हूँ और फिर बड़े वाले थाली रखती हूँ। फिर थाली के बगल में जो है यहाँ पे बना हुआ है, देखो गिलास रखा हुआ है, छोटा गिलास बड़ा गिलास सब रखे हुए हैं। और उसके बाद एक छोटा सा इसमें हम जो है बच्चों के निप्पल वगैरह धुल के रखते हैं, ये देखो। फिर उसके बाद ये है एक छोटा सा है, इसमें हम प्लेट वगैरह रखते हैं। फिर इसके बगल में भी बना हुआ है, यहाँ पे हम कांच के गिलास रखते हैं। सभी गिलास को हम इसी में धुल के रख देते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बना हुआ है ये देखो, तो यहाँ पे हम जो कुकर और चिमटे पलटे वगैरह सब टांग देते हैं। सूर्य भगवान के जो है दर्शन करने के लिए, तो हमने सोचा चलो आप लोग को भी दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे आप लोग को दर्शन नहीं करवाया था। तो चलो आप लोग भी भगवान से प्रणाम कर लो, ठीक है गाइस। आप लोग देख रहे हो क्योंकि भगवान की जो रोशनी बहुत ज़्यादा है, ये देखो। मेरा घर बन रहा है तो वहाँ पे जो खाट रखा हुआ है वहाँ पे जो है पापा रात के टाइम पापा वहाँ पे लेटते हैं तो हवा जो है काफ़ी अच्छी चलती है और ठंडा ठंडा। कल तो हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी, ये देखो अब हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। देख रहे हैं मेरा जो है बाथरूम है और कुछ इस तरीके से है। अब चले हम रोटी बना ले हैं जल्दी से, क्योंकि हमारी सब्जी बन चुकी है। हमने दाल चावल पहले से बना लिया था। और क्या बार बार यार आप लोगों को दिखाएं दाल चावल, तो इसलिए हम आप लोगों को नहीं दिखाए। लोग देख रहे हो हमारी सब्जी भी पक गई थी और रोटी, और हमने रबड़ी लिया है, हमने दूध को जला लिया था, थोड़ा सा रबड़ी बनाया था, खाने का मन कर रहा था और इसके बाद हम खा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में सब खा लिए थे, सिर्फ हम ही बचे थे। हमने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं खाते वक्त। तो गैस खा लें, उसके बाद हम आप लोगों से बात करें। बहुत लोगों ने कहा कि भाभी आपका जो मकान है बहुत छोटा है, तो मकान छोटा बड़े से मतलब नहीं होता है। मकान जो है अगर आप एक दूसरे से प्यार करते रहो तो वही घर घर ही होता है। और अगर आप बड़ा घर बना लोगे, अगर आपके परिवार में कोई प्यार ही नहीं रहेगा, घर किस काम का। तो इसीलिए मेरा छोटा सा घर है लेकिन यहाँ पे सुकून बहुत है और प्यार बहुत है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि हो गई है। तो गाइज अब हम आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो का वेट करना। और हाँ गाइज, भाभी के ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हम आप लोग का वेट करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं और आप लोगों से बोलते हैं गुड नाइट। तो गाइज आप लोग देख रहे हो, हम आप लोग से ये भी बता देते हैं कहाँ से हम बात कर रहे हैं। इस समय हम अपने हाथे में और रात के बज रहे हैं 10:30। आज हमारे यहाँ बहुत जल्दी खवाई हो गई, मतलब सारे घर वालों ने खा लिया है, तो कोई काम वगैरह था नहीं, तो हमने सोचा चलो आप लोग से बातें भी कर लें और वीडियो को एंड भी कर देंगे। तो आप लोग मेरा वेट करते रहना। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना फैमिली दोस्तों के साथ। और तो चले आप लोगों से बोल देते हैं गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, बाय।